हैदराबाद में टीआरएस सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनका कहना है कि टीआरएस सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए और सत्ता में आने के बाद गरीब जनता से किए हुए हर वादे भूल गए, चाहे वो उनको आवाज दिलाने का हो, चाहे वो किसी भी तरह की योजना हो, उनका लाभ गरीब जनता को नहीं मिल रहा है। गरीब जनता आज भी दुखी है, जबकि सरकार को सत्ता में आके सालों हो गए, जिसको लेकर इन सब मांगों के चलते तेलंगाना सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए गए। आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन फलकनुमा एमआरओ ऑफिस के पास किया गया और इन प्रदर्शन में एमबीटी और बीएलएफ ने इन गरीब जनता का साथ दिया। साथ ही सरकार से क्या मांगे की गई, सरकार से क्या नाराजगी, आइए देखते हैं। अवाम का हाल, एमपी 10,000 करोड़ का, एमएलए 5,000 करोड़ का, कॉर्पोरेटर 100 करोड़ का, एमआईएम के नाम पे, इत्तेहाद के नाम पे गरीब मुसलमानों की ये हालत है। गरीब मुसलमान को कोई पूछने वाला नहीं है, ये लड़ाई मजलिस बचाओ तेरे की, इस गरीब मजलूम औरत की लड़ाई। आज डबल बेडरूम के नाम पे किसी गरीब को घर नहीं मिलता, लेकिन बंडलागुड़ा एमआरओ डिवीजन के अंदर करीब 100 एकड़ लैंड पे लैंड ग्रैबरों ने प्लॉटिंग करके हजारों करोड़ रुपए के जमीना बेच दिए, लेकिन कोई एमएलए और एमपी गरीब को जमीन दिला के घर बनाने के लिए तैयार नहीं। एक लीडर थे अमानुल्लाह खान मरहूम, जिसने बस्तियां गरीबों की बसाई, गरीब लोगों के बस्तियां बसाए, अमान नगर, तालाब कट्टा, बाबा नगर, गाजी मिल्लत, मोइन बाग। आज वक्त का तकाजा है कि समाजी इंसाफ यही है कि गरीब को उसका हक नहीं मिलेगा। हक नहीं मिलेगा तो समाजी इंसाफ की लड़ाई चलेगी। आज मजलिस बचाओ तहरीक तमाम दिगर जमातों के साथ बीएलएफ के बैनर तले डबल बेडरूम की लड़ाई के साथ साथ इन गरीब मजलूमों के हकूक़ के लिए लड़ती रहेगी। जब तक हकदार का हक नहीं मिलेगा ये लड़ाई चलती रहेगी। आज जो भी मुसलमान लीडर एमएलए एमपी बन के बड़े इत्तेहाद की बात, बड़े मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आज उनसे मेरा मुतालबा है कि ऐसे गरीब लोगों की तरफ भी देखो और तुम्हारी अपनी ज़िंदगी भी देखो। तुम 5,000 करोड़ रुपए के मालिक हो और ये गरीब मुसलमान बहन, कलमा गो बहन आज किराए के लिए, दवा के लिए तरस रही। शर्म आना चाहिए जो अपने आप को मुसलमानों के लीडर और कायद बोलते। आज मुस्लिम माशरे को भी सोचना चाहिए कि उनको लीडर और रहनुमा कैसा चाहिए जो मजलूमों की मदद करे या सरमायादारों का अहलेकार बन के ब्लैक मार्केट रहो, सूद खा रहो और लैंड ग्रैबरों का साथ दे। आज मजलिस बचाओ तहरीक की लड़ाई यही है कि मजलूम के हक के लिए, गरीबों के हक के लिए, हकदार का हक दिलाने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक आने वाले इलेक्शन में तमाम मजलूमों को मुत्तहिद करते हुए हैदराबाद पार्लियामेंट और असेंबली सेगमेंट्स की लड़ाई लड़ेगी और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि इन मजलूमों की दुआ से तहरीक कामयाब बनेगी और मजलूमों के लिए लड़ेगी। हुकूमत में आने के बाद बहुत वादा दिया, लेकिन अभी तक डबल बेडरूम नहीं पूरा किया। इसके वास्ते पूरा गरीब लोग आके हमारे ऑफिस के सामने बैठ के धरना कर रहे हैं। हम बीएलएफ बहुजन लेफ्ट फ्रंट डिमांड कर रहे हैं कि केसीआर डबल बेडरूम नहीं निर्माण करे तो उनको किराया हर मंथ भी पैसे पे करना है। उसको इस डिमांड से बहुजन लेफ्ट फ्रंट ये मूवमेंट चल रहा है। इमीडिएटली दे हैव टू टेक द डिसीजन शॉर्टली। थैंक यू। చెప్పాను కదా దాంట్లో డిమాండ్ అది డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వాలి, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇమీడియట్ దేనా హై ఆర్ దేనే తక్ జో సమయ రాతా ఉన్కో కిరాయా వై దేనా హై బహార్ రహనే కా వహీ హమారా మెయిన్ డిమాండ్ హై। ना मेरे को घर नहीं है, ना मेरे को मर्द है, ना बेटा है। एक बेटी है, उन्हें भी बेवा है, उसके दो बच्चे हैं। हम बंगलों में कितना भी मेहनत कर रहे थे बेटा, उन्हें क्या देते, 400, 500, 600 देते। घर का किराया मेरे को नहीं निकलता, 4,500 घर का किराया है। एक नवासी को पढ़ों की बोले तो स्कूल की फीस भी मेरे से नहीं निकलती बेटा, हर ड्रेस बनाने को नहीं निकलता। स्कूल में देखे तो दुनिया का खर्चा लगा दे, मैं करेंगे तो क्या करेंगे बोलो। मेरे घुटनों में तकलीफ, कंबर में तकलीफ, दवा करी तो किराया नहीं दे सकती, किराया करे तो दवा नहीं दे सकती। घर तो पूछो ना, घर तो है कि नहीं हमारे को, किराए के घर में मुसीबत उठा रहे उठा रहे उठा रहे बेटा। कैसा होगा बोलो, गरीब का ख्याल तो करना कुछ तो भी बेटा बोलो। बस्ती में सब पेड़ को पछाड़ते, इनका कोई नहीं है, बल्कि कोई खाना दे देते, कोई सामान दे देते, कोई साड़ी दे देते, उस पर मेरी जिंदगी चलती बेटा। क्या करना बोलो, बेटी को भी मरद नहीं है बेटा, उन्हें भी बेवा है, उसको दो बच्चे हैं। क्या नाम क्या है? अम्मा काले पत्थर किंग दरबार की होटल है नहीं, उसके साथ। हैदराबाद से सैयद हमीद की ये थी खास रिपोर्ट।